तो ये है फ्रेंड्स मगध मीट हाउस। यहाँ पे मटन मिलता है, चिकन मिलता है और मछली भी काफ़ी तरह का मिलता है। ये देखिए यहाँ पे इनका झींगा है और ये मछली है जो कि ग्रेवी में डाला हुआ है, और इधर फ्राई किया हुआ मछली है, ये देख सकते हैं लंबा वाला मछली है, और रेहू भी है। ये इनका मछली है जो कि बहुत ही लाजवाब दिख रहा है। ये देखिए कितना अच्छा मछली है, कितना सुंदर कलर है, बहुत ही टेस्टी दिख रहा है। अब आइए दिखाते हैं मटन, देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर दिख रहा है, लाजवाब है। ऊपर से रोगन पूरा बहुत ही सुंदर दिख रहा है मटन, और खुशबू लाजवाब आ रहा है। आइए चलिए आप सबको मटन का मेकिंग दिखाते हैं और खा के टेस्ट बताते हैं कि कैसा है। हेलो फ्रेंड्स नमस्कार, एक बार फिर से आप सबको एक प्यारा से वीडियो में स्वागत करते हैं एमके ब्लॉग्स पटना पे। आज हम फिर से आप सबको एक पटना का प्यारा से वीडियो मटन का लेकर आए हैं, और बात करें हम लोकेशन का तो आज हम पटना हाई कोर्ट के पास हैं और ये गेट नंबर 5 है, और यहीं पे एक छोटा सा स्टॉल है मगध मीट हाउस करके, ये है मगध मीट हाउस। तो यहाँ का मटन कैसे बनता है पूरा मेकिंग दिखाने वाले हैं। यहाँ पे मटन भी मिलता है, चिकन भी मिलता है, मछली भी मिलता है, यहाँ पे नॉनवेज का तीनों वैरायटी मिलता है, और बगल में ही वैशाली होटल है तो यहाँ वेज भी खाना मिल जाता है। तो यहाँ पे कैसे बनता है मटन वो दिखाते हैं, और यहाँ का टेस्ट कैसा है खाकर बताते हैं, यहाँ खाने वाले लोगों से बात करके आप सबको बात करवाएंगे और टेस्ट बताएंगे कि कैसा है यहाँ का मटन का टेस्ट और मछली का टेस्ट और चिकन का टेस्ट, अगर जो खाते होंगे उन लोग से बताएंगे पूछ करके कि कैसा है यहाँ का मटन का टेस्ट। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे मटन बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, थोड़ा सा हम लेट हो गए हैं। देखिए यहाँ पे मटन डाला जा चुका है और प्याज भी पहले से डाला हुआ था। ये इनका फ्रेश मटन, ये कितना केजी मटन था भैया? हाँ कितना केजी मटन? 3 केजी। 3 केजी। ये फ्रेंड्स इसमें और मटन डाल रहे हैं, ये देखिए। ये कितना केजी टोटल मटन हो गया भैया? टोटल 8 किलो। टोटल 8 केजी। आज 8 केजी यहाँ पे मटन बन रहा है। ये देखिए कितना अच्छा मटन है यहाँ पे, फ्रेश मटन एकदम। यहाँ पे प्याज में पहले से क्या क्या डाले थे? पहले से जीरा, लहसुन, हरा सूखल मिर्चा, चरपत्ता, और क्या पड़ता है भैया? अच्छा, ये सब फ़ौरन में डाले थे, है ना? कितना टाइम लगता है आपको यहाँ मटन बनाने में? 1 घंटा। 1 घंटा में बन जाएगा, है ना? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 1 घंटा में मटन बन के तैयार हो जाता है। ये फ्रेंड्स इसमें आए इनका चुस्ता, 3 पीस चुस्ता डाले हैं इसमें, और ये 15 से 20 मिनट तक मटन ढक के पकाए हैं अभी। अब ये डाला गया लहर, जो कि गर्म पानी में अच्छे से धो के इसको छोटा छोटा पीस में काट के डाले हैं इसमें। ये देखिए अब सारा को मिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से लोग आते होंगे खाने खाने के लिए? हाँ वकील भी आते हैं, नेता भी आते हैं। अच्छा वकील नेता सब आते हैं ना। ये फ्रेंड्स इसमें लाल मिर्चा का पाउडर डाला जा रहा है। ये आधा घंटा लगभग मटन बन पका है, उसके बाद देखिए ये हल्दी पाउडर आया। ये फ्रेंड्स इसमें मीट मसाला डाल रहे हैं, ये गोलकी पाउडर डाल रहे हैं, इसके पहले कस्तूरी लाल मिर्च डाले थे। अब देखिए फ्रेंड्स इस मटन का रंगत कितना चेंज हो गया है, कलर कितना बदल गया है इसका, ये देखिए लाजवाब कलर दिख रहा है, और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे पकाते हैं मटन को। ये फ्रेंड्स 45 से 50 मिनट तक हो गया है मटन, ये देखिए इसका कलर कितना चेंज हो चुका है, रोगन ऊपर में आ गया है मटन के ऊपर। अब इसमें सिर्फ गरम मसाला डालना बाकी रह गया है, वो थोड़ी देर में डालेंगे 10 से 15 मिनट के बाद। ये फ्रेंड्स इसमें गरम मसाला डाल रहे हैं, ये देखिए चारों तरफ मटन का रोगन आ गया है ऊपर। अब ये लोगों के खाने के लिए सर्व होना शुरू हो गया है, ये देखिए अब लोगों को खाने के लिए प्लेट में निकाला जा रहा है मटन। ये फ्रेंड्स लोगों के लिए अब यहाँ पे मटन निकाल रहे हैं, देख सकते हैं बहुत ही सुंदर मटन है, बहुत ही लाजवाब है। तो ये यहाँ पे फ्रेंड्स यही यहाँ का ऑनर हैं, यही खिलाते हैं यहाँ पे मटन चावल और चिकन चावल और मछली चावल। भैया ये मटन चावल और चिकन चावल का क्या प्राइस रखे हैं? 90 रुपये प्लेट है चिकन चावल, मटन चावल 120, और मछली? मछली चावल 80 या 90। अच्छा 80 और 90, ये दो रेट, 20 वाला 80 और खड़ा वाला 90। खड़ा वाला मछली 90 और पीस वाला मछली जो रेहू होता है वो 80 रुपये प्लेट।
आंध्रा वाला एको नहीं मिलेगा। अच्छा, और भैया यहाँ पे कौन कौन से लोग आते हैं खाने ज़्यादातर? सब कोई आते हैं, हम पब्लिक भी आते हैं, वकील लोग भी आते हैं। अच्छा, ज़्यादा कौन लोग आते हैं? ज़्यादा हम पब्लिक। अच्छा, और कुछ स्टाफ जो हाई कोर्ट में जॉब करते हैं वो सब आते हैं ना? सब आते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स यहाँ हाई कोर्ट गेट नंबर 5 के पास इनका स्टॉल लगता है मगध मीट हाउस का। फ्रेंड्स ये मगध मीट हाउस में एक भैया खा रहे हैं यहाँ पे मछली चावल खा रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि यहाँ का टेस्ट कैसा है मछली चावल का, और ये कितने टाइम से यहाँ पे खा रहे हैं सब कुछ जानते हैं इनसे। भैया आपका नाम क्या हुआ? राजीव कुमार। अच्छा, और आप कहाँ से रहने वाले हैं? हम बक्सर बिहार से हैं। अच्छा, ये कैसा लग रहा है मछली चावल इनके यहाँ का? बहुत बढ़िया टेस्ट है इनका, और कंटिन्यू हम लोग 4 महीने से खाते आ रहे हैं। अच्छा, 4 महीने से कंटिन्यू, जब भी आते हैं पटना तो खाते हैं? हम यहाँ खाते हैं, और अच्छा टेस्ट है इनका। अच्छा, मछली खाते हैं कि मटन भी खाते हैं? मछली मटन दोनों, लेकिन ज़्यादातर हम तो मछली खाते हैं। अच्छा, मटन का टेस्ट कैसा है? मटन का भी ठीक है, 2-4 बार खाए हुए, बढ़िया है, टेस्ट अच्छा है उसका। अच्छा, आप लेकिन मछली ज़्यादा खाना पसंद करते हैं? मछली ज़्यादा हम लोग खाना पसंद करते हैं। तो इसका भी टेस्ट काफ़ी अच्छा है? काफ़ी अच्छा है, बढ़िया है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जिन तक वीडियो पहुँच रहा है, उनको क्या कहना चाहिएगा? यही कहना चाहेंगे जो भी आए एक बार इनका टेस्ट खा के देखा जाए, बहुत अच्छा टेस्ट है, और मैं सबसे यही कहूँगा कि एक बार आए और एक बार इनका टेस्ट ले खाना खा के। अगर पटना हाई कोर्ट की तरफ आना होता है तो एक बार टेस्ट करें, है ना? बिल्कुल 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 टेस्ट करें। ठीक है भैया, खाना इंजॉय कीजिए, बात करके अच्छा लगा। यहाँ पे फ्रेंड्स ये भैया मछली चावल खा रहे हैं और बता रहे हैं कि टेस्ट काफ़ी अच्छा है, आप लोग भी आइए तो एक बार टेस्ट कीजिए। तो ये फ्रेंड्स मगध मीट हाउस का मेरे पास थाली आ गया है। ये देखिए, इधर झींगा लिए हैं, और ये फ्राई रेहू मछली का पीस है, और ये इधर मटन है, और ये चावल है। आइए टेस्ट करते हैं और बताते हैं आप सबको कि यहाँ का मटन का टेस्ट कैसा है। ये देखिए इनका ग्रेवी काफ़ी गढ़ा है, पतला नहीं है ग्रेवी। तो आइए टेस्ट करते हैं और बताते हैं, ये है इनका मटन जो कि नली का पीस है। आइए दिखाते हैं कि कितने अच्छे से पका हुआ है ये मटन। चावल दियो भैया। ये देखिए कितना आसानी से टूट गया, ये देखिए पका हुआ है। देखिए आइए टेस्ट करते हैं और बताते हैं, यह है इनका मटन और चावल। फ्रेंड्स मटन का टेस्ट को तो काफ़ी लाजवाब है, बहुत ही सुंदर मटन है, यहाँ पे टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है। और ये मछली ट्राई करते हैं। फ्राई मछली भी बहुत ज़बरदस्त है, अब ये झींगा थोड़ा। तो फ्रेंड्स यहाँ का मटन का टेस्ट वाकई में लाजवाब है, बहुत ही सुंदर है टेस्ट यहाँ का, और अच्छे से मटन पका हुआ है यहाँ पे। और फ्राई मछली भी खाए, फ्राई झींगा भी खाए, फ्राई रेहू का भी पीस खाए, काफ़ी अच्छा वो भी है। फ्राई वाला में भी हल्का मसाला दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है मछली का, बहुत ही ज़बरदस्त है। कुल मिलाकर यहाँ का टेस्ट का रिव्यू दिया जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छा है। आप सब भी जब भी पटना हाई कोर्ट की तरफ आना होता है आप सबका भी, तो एक बार ज़रूर आप टेस्ट कीजिए इनका। मछली खाइए, मटन खाइए, या चिकन खाइए। चिकन अभी नहीं बना है, चिकन बनने में थोड़ा सा लेट है। तो यहाँ पे तीनों का टेस्ट काफ़ी अच्छा है, मटन का भी, मछली का भी, और चिकन का भी। तो ये वीडियो हम यहीं पर लास्ट करते हैं, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में नए लोकेशन पर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।